अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया दिन और नया एपिसोड। और आज हम रुके हुए हैं तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल करीब और जा रहे हैं अयूब सुल्तान, हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार शरीफ पे। हम इस एपिसोड के लिए बड़े एक्साइटेड हैं और उस जो वो मज़ार है उसकी हिस्ट्री और वहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पे विज़िट करेंगे और उसका जो एरिया है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि हमें इस्तांबुल कार्ड मिल गया गिरावा। अब हम इसमें कराएंगे लोड और बहुत सस्ते में ट्रैवल करेंगे। अभी तक हमने बहुत टैक्सीज को पे किया, बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज हुए हैं हम, लेकिन ये है कि अब नहीं। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, ये आपको आते ही बनवा लेनी चाहिए। लेकिन ठीक है, ये अगर आप हो तो आपका ट्रैवल बढ़ जाता है। टैक्सी की वजह से आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि यार नहीं, लेकिन कार्ड अगर आपके पास होना तो आप बगैर सोचे भी निकल जाते हैं, क्योंकि 3-3.5 लीरा आपका चार्ज होता है पर राइड। तो इंशाल्लाह बड़ा ही अच्छा मुकद्दस सफ़र होने वाला है, आप हमारे साथ रहिए। तकसीम स्क्वायर से अयूब सुल्तान जाने के लिए 555C मेट्रो बस पर बैठें और अयूब सुल्तान के स्टॉप पर उतर जाएं। ये बस आपको मज़ार शरीफ के सामने ही उतारेगी और इसके लिए आपका मेट्रो कार्ड का होना ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में मैं इस्तांबुल के उस इलाके में खड़ा हूँ जहाँ हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक है। आपके ही नाम से इस इलाके को अयूब सुल्तान का नाम दिया गया है। मक्का से जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो मदीना के हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि आप उनके मेहमान बने। आपने ये फ़ैसला फरमाया कि मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ूंगा और मेरी ऊँटनी जिस घर के आगे जाकर रुकेगी मैं उन्हीं का मेहमान बनूँगा। चुनाचा ऐसा ही किया गया और आपकी ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर जाकर रुकी और आप मस्जिद नबवी के बनने तक उन्हीं के घर में मेहमान रहे। आप इस्तांबुल कैसे पहुँचे, आपकी कब्र यहाँ क्यों है, आपका मज़ार शरीफ कैसा है, आपके मज़ार शरीफ की अंदर से हालत कैसी है, लोग यहाँ पे कितनी तादाद में आते हैं और यहाँ की अंदर की जो मस्जिद है उसका इंटीरियर कैसा है, ये सारी बातें हम आपको दिखाएंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मस्जिद अयूब है और हम लोग पहले हिस्से से ही आगाज़ करते हैं और देखते हैं मस्जिद अयूब कैसी है।
सवाली। हिजरत मक्का के बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और हजरत ज़ैद बिन हारिस के साथ मस्जिद नबवी के बनने तक आप ही के घर में तशरीफ़ फरमा रहे। आपको जहाद का बेहद शौक़ था और आपने तमाम गज़वात में शिरकत की। 49 हिजरी में जब कॉन्स्टेंटाइन पर हमला किया गया तो आप भी उस जंग में शामिल थे और उस वक्त में टोटल 4 हमले किए गए कॉन्स्टेंटाइन को फतह करने के लिए। इसी दौरान आप शदीद बीमार होकर यहीं फौत हो गए और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको शहर की फसील के साथ ही दफन किया गया। ये आप जो खिड़की देख रहे हैं ये वो मुबारक जाली है जिसके अंदर आपकी कब्र शरीफ है और आप वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। कब्र मुबारक की ज़्यारत के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है और कुछ वक्त दिया जाता है, जब 15 से 20 लोग निकल जाते हैं और फिर नए 15 से 20 लोगों को एंटर किया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज ये मौका भी दिया है कि मैं सहाबी रसूल मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़्यारत करने जा रहा। मज़ार शरीफ में दाखिल होते ही उल्टे हाथ एक टेबल पर तबरकात मुकद्दसा रखी गई हैं। इनमें से एक दरख्त का पत्ता है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाया था और इसके साथ एक पत्थर का टुकड़ा रखा गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करता था और आपसे हम कलामी किया करता था। इसके साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक रखे गए हैं। आपको यहाँ एक सब्ज़ रंग की टाइल का टुकड़ा भी नज़र आएगा। ये टुकड़ा रोज़ा मुताहरा पर लगी टाइलों का हिस्सा था। सामने जो आप काले पर्दे देख रहे हैं ये आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर लटकाए गए हैं और आपकी कब्र मुबारक को चांदी की चार दीवारी से कवर किया गया है। आपके मज़ार शरीफ पर कुरानी आयात की नहायत खूबसूरत खताती की गई है। मज़ार शरीफ के इस हिस्से में नाकाबले बयान सुकून है और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको भी यहाँ आना नसीब करे। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे नियत ना ना। आपकी वफ़ात के तकरीबन 800 साल बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने जब कॉन्स्टेंटाइन को फ़तह किया तो उसने हुक्म दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहाबियों की कब्रें हैं तो उनको तलाश किया जाए। और एक बुज़ुर्ग थे हज़रत शाह शमसुद्दीन, उन्होंने ख्वाब में इस जगह पे नूर देखा और उन्हीं की निशानदेही पे इस जगह की खुदाई की गई। तो थोड़ी सी खुदाई के बाद आपके कब्र का कतबा जो है वो निकला और उसमें अबरानी ज़बान पर आपका नाम हज़रत अबू अयूब अंसारी लिखा हुआ था। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने इस पूरे इलाके को सुल्तान अयूब का नाम दिया और इस मज़ार के बेसिकली 3 अहाते बनाए गए। एक अहाते में मस्जिद अयूब है, दूसरे अहाते में कब्र अयूब है और तीसरे अहाते में कब्रिस्तान अयूब है। जी व्यूअर्स, अभी हम हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार से बाहर आए हैं। मस्जिद में हमने 2-2 नफल भी पढ़े हैं और कब्र मुबारक का दीदार भी किया है। बिल्कुल जन्नत का बाग है और बहुत ज़्यादा सुकून मिला है अंदर जाकर, बयान नहीं कर सकते। अभी जैसे आप इस अहाते से बाहर निकलते हैं सामने एक बड़ी प्यारी छोटी सी फूड स्ट्रीट है और बैक साइड पे कब्रिस्तान अयूब है जहाँ पे एक औलियाए कराम और शहजादों की कब्रें हैं, उसका भी विज़िट करेंगे और दूर से इस मस्जिद का एक बात शॉट लेंगे। ये कब्रिस्तान पहाड़ पर बनाया गया है और इसका रास्ता मुसलसल ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ भी कई तारीखी कब्रें मौजूद हैं। अयूब सुल्तान एरिया में शॉपिंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी और खाने के लिए बहुत शानदार टर्किश कज़ीन मौजूद है। इसके अलावा आपके दरबार से एक रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है जहां से इस्तांबुल का सिटी व्यू होता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी ये सब एक्सप्लोर करना बाकी है तो इसके लिए मेरे साथ रहें क्योंकि डिस्कवर टर्की सीरीज़ में अभी आपके लिए बहुत कुछ है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टर्की ट्रिप का मेरा पहला दिन कैसा था
और तुर्की वीज़ा खुद से कैसे हासिल किया जा सकता है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप इस्तांबुल समुंदर के करीब तुर्की का खूबसूरत तरीन जजीरा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।